1962 का भारत चीन युद्ध भारत हारा नहीं था, बल्कि उसको यह कहा जाए कि जब भारत जीतने वाला था तो यहीं के लीडर्स ने युद्ध विराम घोषित कर दिया था। मेजर शैतान सिंह भाटी ने 123 सैनिकों के साथ मिलकर हजारों चीनी सैनिकों के ऊपर मौत का जो तांडव किया था, उसके बाद चीन बैकफुट पर था। भारत में छपे किसी बात के ऊपर आप विश्वास फिलहाल ना करें तो ठीक है, बाहर के जो रिकॉर्ड है वो दिखाते हैं कि केवल 4 दिन यह युद्ध चला था और 4 दिन के बाद के अंदर चीन ने उसको जानबूझकर रोका था। और उसका कारण केवल यह था कि उन्हें समझ में आ गया था जिस प्रकार का अनुभव भारत के सैनिकों के पास में है, जिस प्रकार की रणनीति उनके पास में है, उसका मुकाबला चीन नहीं कर सकता। चौथे दिन चीन ने खुद ने अपनी तरफ से गोलाबारी रोक दी थी। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? ना सिर्फ हजारों चीनी सैनिकों को गाजर मूली के तरीके से काट दिया गया था, बल्कि मौत का जो तांडव मेजर शैतान सिंह भाटी ने फैलाया था उसकी वजह से चीन की सेना पूरी तरीके से त्रस्त थी। जो बात चीन को समझ में आ गई थी वो आपको भी समझना पड़ेगा कि युद्ध के अंदर अनुभव ही सब कुछ होता है, केवल संख्या से कुछ नहीं होता। चीन के पास के अंदर जो सैनिक थे वो नए सैनिक बने थे, उनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था, जबकि भारत की तरफ से जो योद्धा थे उनके पूर्वज और उनके पूर्वज भी युद्ध का अनुभव रखते थे। बचपन से ही उनको युद्ध के बारे में बताया जाता था, उनके अंदर जोश और जज्बा बेहतरीन था और आज भी है। ये छोटी सी लड़ाई जिसने चीन के बड़े हौसले पस्त किए थे, ये रेजांगला एरिया में हुई थी और ये बिल्कुल शुरुआत में हो गई थी, मगर उसके बाद के अंदर भी चीन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनको तभी पता पड़ गया था। सैटेलाइट इमेज में दिखाई देता है रेजांगला एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और ये जो श्रृंखला दिखाई दे रही है इसके उस तरफ भी भारत का अक्साई चीन है और ये श्रृंखला के पास ही इस समय तक भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। भारत रिटेलिएट करता तो ना सिर्फ चीन ध्वस्त होता बल्कि भारत के पास में इतनी बड़ी वायुसेना थी जो उस समय चीन के पास में थी ही नहीं, मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। 1963 में रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 महीने लगे मेजर शैतान सिंह भाटी का शव तलाशने में और जिस हिसाब से उनका शव मिला था उससे पता पड़ गया कि महादेव के परम भक्त माँ भवानी के उपासक मेजर शैतान सिंह भाटी ने किस प्रकार का तांडव वहां पर फैलाया होगा। उनके पेट में गोलियां थी, उनके हाथों में गोलियां थी और उनके पांव के साथ मशीन गन लगी हुई थी। अपने पांव में मशीन गन बांधकर किस प्रकार से वो मुकाबला कर रहे थे, ये बात चीनियों को डरा गई, अंदर तक सन्न कर गई। 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का इस के अंदर कत्लेआम हो गया था। एक के बदले 10 चीनी सैनिक किस प्रकार से गाजर मूली की तरीके से काटे जा रहे थे, ये देखकर उनके दिलों में खौफ भर गया था मेजर शैतान सिंह का। भारत के हर योद्धा में यही जज्बा था और हर सैनिक के हाथ फड़फड़ा रहे थे चीन से बदला लेने के लिए, मगर वो हुआ नहीं। टाइम मैगजीन ने भी छापा कि किस प्रकार से भारत के लीडरों की सोच पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है। उस समय तक भारत की मीडिया ने नेहरू की इमेज स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर स्थापित कर दी थी। 1945 और 1947 के बीच के अंदर जितना इतिहास है उसको आप ज्यादा समझ नहीं सकते क्योंकि अभी तक आपको वो बताया ही नहीं गया है। इस प्रकार की कोई खबर इंडिया के अंदर भी ढूंढने पर नहीं मिल पाती जहां पर सीधे तौर पर डिसीजंस के ऊपर मीडिया अंगुली उठा पाया हो। माना जाता है कि 1945 से 1947 के बीच के अंदर जो कुछ हुआ उसको छुपाने के लिए 1947 के अंदर मीडिया के अंदर अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार और उनके रिश्तेदारों को सेट कर दिया गया। भारत की मीडिया उस समय भी सरकारी पैसों के विज्ञापनों से चला करती थी जैसा आज भी चलती है। कोरोना के दौर में आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार से आपके अखबार के पेज कम होते गए। वो इसलिए होते गए क्योंकि उनको छापने के लिए विज्ञापनों की कमी थी, वो विज्ञापन ही अखबार छापते हैं, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं से आता है। और 1947 में अखबार छपने का खर्च कहां से आता था यह कोई बड़ी बात नहीं है। 1962 के युद्ध के बाद में मीडिया में बड़ी संख्या के अंदर वामपंथी पत्रकारों की आवक हुई है जो उस प्रकार की विचारधारा रखते थे। वामपंथी विचारधारा वामपंथ के खिलाफ ज्यादा बोलते नहीं है, उनको ज्यादा पावरफुल हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर चीन को ज्यादा पावरफुल दिखा दिया जाता है तो भारत के लोगों को यह समझाने में आसानी हो जाती है कि किस प्रकार से हमने तुम्हें चीन से बचाया है, जबकि वर्ल्ड की मीडिया इससे बिल्कुल अलग रुख रखती थी। भारत के प्रकार के अनुभवी कमांडर चीन के पास थे ही नहीं। जापान भी छोटा सा देश था मगर उसने चीन के ऊपर कब्जा कर रखा था क्योंकि वहां पर योद्धा थे, अनुभव था, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेजर शैतान सिंह भाटी के कारनामे पूरी आर्मी में आ चुके थे मगर कुछ अजीबोगरीब फैसले लेने के कारण ये बात वहीं की वहीं रुक गई और चीन ने काफी सारे बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। ये बड़ी हैरानी हुई थी। ना केवल 62 के मेजर शैतान सिंह भाटी की ये जो कहानी थी ये सभी जगह फैली हुई थी। जो मेजर शैतान सिंह भाटी है वो जोधपुर से आया करते थे और बीकानेर से आते थे जनरल सगत सिंह। जनरल सगत सिंह ने 67 के अंदर चीनियों को जो मजा चखाया था वो बिल्कुल वैसा ही था जो उनके पुराने सखा सिखा चुके थे। ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि जब
भी 1962 की बात आती है तो इंडिया की तरफ से 1967 लिखा जाता है, मगर यह बात आज आपको पता पड़ी है कि 1962 के अंदर भी हमने जो किया था वो बहुत बेहतरीन था। आज की स्थिति 47 और 62 की तरह नहीं है, ना ही 67 की तरह है। बहुत ही हैरानी होती है जब विपक्ष का एक नेता यह पूछता है कि क्या चीनियों ने लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लिया है, शर्म आती है, डूब मरना चाहिए। इस प्रकार की क्रिटिकल खबर इंडिया के अखबारों में छपी नहीं क्योंकि उस समय सेटिंग कर रखी थी। 1967 के अंदर भी हार को जस्टिफाई करने के लिए वामपंथियों को बहुत बड़े तादाद के अंदर लाया गया, जिन्होंने यह बताया कि चीन भारी था इसीलिए हम हारे, और वो जो व्यवस्था है वो आज तक भी चल रही है। ये दो के दो जो व्यवस्था है वो इस समय मीडिया को चौथा स्तंभ बनने से रोक रही है। मीडिया तभी चौथा स्तंभ बनेगा जब वो सही बातों का साथ देगा, गलत बातों के खिलाफ खड़ा होगा। 1945 और 47 के बीच के अंदर क्या बात चली थी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार की हिस्ट्री आपको फैला फैला के बताई गई है उसके अंदर बहुत बड़े पेंच हैं। सबूतों और तथ्यों के ऊपर हम बात करेंगे और इतिहास के वो दस्तावेज आपके सामने दिखाई देंगे जिनको आपको देखना जरूरी है। 45 और 47 के बीच में क्या हुआ था कि एक ही तरीके के लोगों को मीडिया के अंदर लाया गया। 67 के अंदर क्या हुआ था कि एक अलग विचारधारा को जानबूझकर मीडिया के अंदर प्लांट किया गया। मेजर शैतान सिंह भाटी को शत शत नमन, जय हिंद, धन्यवाद।